हेलो हेलो रिमझिम जी, मैं नम्रता बोल रही हूँ। हाँ नम्रता जी, गर्व कैसा है? रिमझिम जी, गर्व की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही, टूट चुका है वो। हम समझते हैं नम्रता जी, जो हुआ इतना भद्दा मजाक है कि गर्व की पोजीशन हम समझ सकते हैं। बेचारे गर्व की तो कोई गलती नहीं, बिल्कुल टूट गया होगा वो। लेकिन अमृता जी, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, आपको उसे संभालना होगा। रिमझिम जी प्लीज, आप आकर घर को समझाइए ना, मेरे तो बस में अब कुछ भी नहीं रहा, प्लीज। ठीक है, डोंट वरी, हम आते हैं उससे मिलने के लिए। आप बिल्कुल परेशान मत होइए नम्रता जी, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू रिमझिम जी। आंटी, मैं जानती हूँ आप गर्व को लेके बहुत परेशान हैं। आपको जितनी फिक्र ईशा और विक्की की है, उतनी ही फिक्र गर्व की भी है। हाँ कोयल, गर्व की ऐसी हालत देखी नहीं जाती, किसी भी तरह से उसे इस ट्रॉमा से निकालना होगा। आंटी, इस काम में मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, मुझे भी गर्व से सिंपैथी है। प्लीज आप मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन इंसानियत के नाते मैं भी गर्व की हेल्प करना चाहती हूँ। अगर हम मिलजुल कर गर्व को वापस एक जीने की उम्मीद दे सकें तो इसमें हर्जी क्या है? ठीक है, जब हम गर्व के घर जाएंगे तो हमारे साथ चलना। ठीक है आंटी। ये कोयल है। हाय गर। हेलो। हमारे साथ में ही रहती है। गर, हम तुम्हीं से बात करने आए, खुद को इस तरह तकलीफ मत दो। गर गर हमारी पूरी बात सुन लो। देखो जो कुछ भी हुआ उसमें ना तुम्हारी गलती है और ना ही हमें से किसकी, शायद ये होना ही था। लेकिन तुम इस तरह खुद को तकलीफ दोगे तो नम्रता जी भी परेशान होंगी। हम जानते हैं तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन ये हम सबके लिए मुश्किल है। हमें से किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। गोपाल जी ने तुम्हें एक नई जिंदगी दी है, उसकी इज्जत करो, खुश रहने की कोशिश करो। गर्व, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। रिमझिम जी, गर्व सचमुच बहुत तकलीफ में है, बहुत निराश हो गया है वो, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम सब उसके साथ हैं, आपके साथ हैं। समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, गर्व बहुत ही जल्दी नॉर्मल हो जाएगा। नम्रता जी, ये कोयल है। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। आप लोग बैठिए, आपके लिए मैं कॉफी बना कर लाती हूँ। आंटी आप तकलीफ क्यों करती हैं, मैं कॉफी बना देती हूँ। किचन उधर है। ओके। Oh.
काफी। नो थैंक्स। आप कॉफी के लिए कैसे मना कर सकते हैं? मैं जानती हूँ कि कॉफी तो आपको बहुत पसंद है, स्ट्रॉन्ग कॉफी विद लेस शुगर मैंने आपके लिए बनाई है। मैं जानती हूँ आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। आप मेरे बारे में? आप पीजिए ना। लेकिन फिर भी आपको मेरे बारे में इतना कुछ किसने बताया? मेघा ने। आप मेघा को कैसे जानते हैं? मेघा की डेथ से पहले मैंने बहुत वक्त उसके साथ गुजारा था। एक्सीडेंट के बाद उसे जिस हॉस्पिटल में एडमिट किया था वह वहां नर्स थी। लोगों की राय कुछ भी हो उसके बारे में, लेकिन मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि वो आपको कितना चाहती थी, कितना प्यार करती थी। प्यार और मेघा, माय फुट। लेकिन आपकी तो उससे शादी होने वाली थी, इसका मतलब आप भी उसे चाहते थे? जी नहीं, मेघा सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त थी और कुछ नहीं, और सिर्फ उसी दोस्ती के लिए मैंने उससे शादी की थी, ताकि उसकी दिमाग की हालत खराब ना हो। प्यार तो मैं ईशा से ही करता हूं। I'm really sorry, मुझसे तस्वीर गिर गई। जब रिश्ता ही टूट गया हो तो तस्वीर टूटने का क्या अफसोस। Anyways, that's okay. कोयल के बारे में जानना बहुत जरूरी हो गया है। आंटी, आपने गाड़ी क्यों रोकी? कोयल, तुम्हारा वो चैरिटी हॉस्पिटल कहाँ पर है? आंटी, आप वहां का पता क्यों पूछ रही हैं? मेघा वहां थी, हमारी बच्ची वहां थी, कुछ चैरिटी करना चाहते थे इसलिए पूछ रहे थे। आंटी, वो तो यहाँ से बहुत दूर है, रिमोट एरिया में है, और वहां जाने का रास्ता भी ठीक नहीं है। पानी, बिजली, हर चीज की प्रॉब्लम है वहां। हाँ, लेकिन पता तो बता। आंटी, वो यहाँ से बहुत दूर है, रास्ता बताना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है। ओम, वो मिस्टर नागौरी वाले असाइनमेंट का क्या होगा? पापा, मुझे पूरा विश्वास है कि वो असाइनमेंट हमारी कंपनी को मिलेगा, क्योंकि लास्ट मीटिंग काफी अच्छी गई थी उनके साथ। हालांकि उन्होंने अभी तक कोई कमिटमेंट नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे हिंट हो गया है, काफी पॉजिटिव रिस्पांस था उनका। गुड, वेरी गुड। राकेश भैया। अरे आओ अविनाश, बैठो। हाय। हाय। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। भैया, मैं चाहता हूँ कि महान ओम की देखरेख में ये ऑफिस ज्वाइन कर ले। ओम, आई होप यू डोंट माइंड। एब्सोल्युटली नॉट। भला मुझे क्या एतराज हो सकता है? तुम बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में क्या जानते हो? बिजनेस मैनेजमेंट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रह चुका है, इसके ऊपर स्टडी तो मैंने काफी की है। मुझे लगता है अब वक्त आ चुका है कि मैं अपने नॉलेज और आइडियाज को इंप्लीमेंट करूं। मैनेजमेंट के बारे में काफी नॉलेज है तुम्हें। मैनेजमेंट के तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तुम्हारे। गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू। भैया,
अगर आप महान की नॉलेज से संतुष्ट है तो कैन यू ज्वाइन द ऑफिस फ्रॉम टुडे? ओम, तुम जी बाबा महान को अपने साथ अपनी गाइडेंस में रख लो। जी बाबूजी। रंजीम आ बेटा, आ बैठ। बाबूजी हम थोड़े से परेशान थे। क्यों, क्या हुआ? कोयल है ना। कोयल? बाबूजी हमें उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है। पता नहीं, शायद ऐसी कोई बात है जो हम सब नहीं जानते उसके बारे में। उसने हमें सब कुछ नहीं बताया। ऐसा क्या किया जो तुम्हें ऐसा लगने लगा? ऐसी छोटी छोटी बातें हैं बाबूजी, जैसे जिस हक से वो यहाँ पर रहती है थोड़ा अजीब लगता है। मतलब हम उससे कभी कोई सवाल पूछते हैं तो हड़बड़ा जाती है। हॉस्पिटल में भी जब उसने गर्व को देखा था तो अजीब सा कुछ बिहेव कर रही थी। और उसकी ऐसी कौन सी हरकत पर तुम्हें ये शक हो रहा है बेटा? भाई तो हम कह रहे हैं बाबूजी, हम ऐसे कुछ बता नहीं सकते, छोटी छोटी बातें हैं ना। मेरा दिल नहीं मानता बेटा, वो बच्ची नेक है, मासूम है, उस पर यूं शक करना नहीं, ठीक नहीं है। अब हम आपको कैसे समझाएं बाबूजी कि हमारा शक बेबुनियाद नहीं है? इसमें हमारे रेगुलर क्लाइंट्स के डिटेल्स हैं। सारे क्लाइंट्स बहुत रेप्यूटेड हैं, इनके साथ हमारी डील कांच की तरह ट्रांसपेरेंट है। हमारी डील वन टाइम बिजनेस या वन टाइम प्रॉफिट नहीं देखती। यही कारण है कि आज भी हमारे क्लाइंट्स बरसों पुराने हैं। गुड। एक्चुअली ओम भैया, हमारे इन रेगुलर क्लाइंट्स की लिस्ट काफी इंप्रेसिव है। आई होप कि बहुत जल्दी हमें नागौरी प्राइवेट लिमिटेड से एक बहुत बड़ा असाइनमेंट मिलेगा। ओम ठीक है, नागौरी प्राइवेट लिमिटेड से लेटर आया, उन्होंने हमारी डील कैंसिल कर दी है। वो हमारे प्रोजेक्ट किसी और कंपनी को दे रहे हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उनके साथ मैंने सारी टर्म्स और सारी कंडीशंस पूरी कर ली थी। यही बात सोचकर तो मैं हैरान हूं, आखिर लास्ट मिनट ऐसा डिसीजन कैसे ले सकते हैं वो? अंकल अगर आप लोग बुरा ना माने तो नागौरी प्राइवेट लिमिटेड के मालिक से मैं बात करूं? नहीं नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है, इट्स टू लेट नाउ। अंकल प्लीज, मैं एक कोशिश करना चाहता हूं। वैसे भी ज्यादा से ज्यादा क्या बुरा होगा, या तो वो मुझे ना कहेंगे या मेरे इंसल्ट कर देंगे। आई थिंक इट्स ओके, एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है अंकल, प्लीज। आई डोंट नो, ठीक है तुम ओम से सारी डिटेल्स ले लो और ट्राई। ओम रिपोर्ट।
बात तो है जो हम सब नहीं जानते।